साथियों, याद करिए 2014 से पहले क्या होता था, क्या होता था, हमारे आने से पहले खबरें क्या आती थी। 2004 से 2014 रिमोट कंट्रोल की कांग्रेस की सरकार ने, वो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करना एक प्रकार से गुनाह बन गया था, समाज में उसको अछूत बना दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारी आस्था को, हमारी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। भाइयों और बहनों, हमारी रगों में वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है। हजारों साल से हमें सिखाया गया कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में देवी होती है। हमें हजारों साल से सिखाया गया कि पौधे में भी परमात्मा होता है। हम वो लोग हैं जो नदी की भी पूजा करने वाले लोग हैं, सूरज और चांद की भी पूजा करने वाले लोग हैं, और हम उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण 5000 साल की हमारी तपस्या, हमारे पूर्वजों के आदर्शों के लिए किए गए बलिदान आतंकवादी बन गए। क्या आपको ये बात मंजूर है क्या? कांग्रेस का ये पाप मंजूर है क्या? उनके साथियों का ये पाप मंजूर है क्या? क्या ये कलंक हमें मंजूर है क्या? भाई और बहनों, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हमारे आस्था के स्थानों, हमारे बाजारों में आए दिन धमाके करके चले जाते थे, तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करते थे वो? देश में धमाका होता था, कांग्रेस क्या करती थी? उनके होम मिनिस्टर कपड़े बदलते थे और बाद में सरकार होम मिनिस्टर बदलती थी। भाइयों बहनों, पहले ऐसी सरकार थी जिसको न खुद पे भरोसा था, न अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा था, न देश की जनता पर भरोसा था, और इसलिए वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। वो देश की हजारों वर्ष की महान परंपरा को दागदार करने में जुटे रहे, लेकिन जहां से हमले होते थे उनका नाम तक देने को तैयार नहीं थे। वो परंपरा जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, वो परंपरा जिससे गौतम बुद्ध ने प्रेरणा पाई, वो परंपरा जिसकी कोख से महात्मा गांधी पैदा हुए, उस परंपरा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी साजिशें रची। साथियों, तुष्टिकरण के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, और कांग्रेस का इतिहास है, सत्ता के लिए देश का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए वंदे मातरम का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए हिंदुस्तान के राज्यों के टुकड़े कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है।
क्या अब इस देश को ये मंजूर है क्या? इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? जो भाई को भाई से लड़ाते हो, जो जाति बिरादरी को टकराते हो, जो संप्रदाय के बीच में दीवार पैदा करते हो, अरे मां के दूध में दरार करने की कोशिश करती हो, ऐसी कांग्रेस को अब हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भाई। और उनके सारे चक्के बक्के ऐसे हैं, सारे कांग्रेस की साजिश के सामने आपका ये चौकीदार, ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है। मैं अपने भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पर कतई आंच नहीं आने दूंगा।